राजकुमारी, मैं स्वयं सब घोड़ों पर सवारी करता हूँ। ओह, बढ़िया, मुझे बहुत खुशी हुई। और एक घुड़सवार राजकुमार मुझसे क्यों शादी करना चाहेगा? खैर, आप एक राजकुमारी है ना, तो इन सब हीरे, जवाहरात, ये महल, धन दौलत सब के दावेदार आप हैं। मैंने उससे कहा था कि ऐसा ना कहे। ओह, कितना रोमांटिक है। और इसलिए राजकुमारी जी, मैं विवाह के लिए आपका हाथ मांगता हूँ। बस मेरा हाथ ही? तो इसका मतलब यह है कि मेरा बाकी का हिस्सा कुंवारा रहेगा? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? राजकुमारी जी, ये वो भाग है जहाँ आपको हाँ कहना होता है। ये वो भाग है जहाँ आप मेरी मधुर आवाज को ये कहते सुनोगे, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नहीं। ओह हेजल, तुम एक राजा की बेटी हो। आप बस ये कह सकते हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, ये याद रखना कितना आसान है। तुम्हारे आगे तो मेरा दिमाग जवाब दे चुका है, तुम्हें किसी से तो शादी करनी ही होगी। तुमने कितने ही नौजवान रईस आदमियों से भेंट की है। ठीक है पिताजी, मैं किसी ऐसे से विवाह नहीं करना चाहती जो आपके ताज से विवाह करना चाहता है। मैं किसी ऐसे से विवाह करना चाहती हूँ जो मुझसे विवाह करना चाहता हो, जो मुझे, जो मैं हूँ उस रूप में स्वीकार करता हो, जो मुझे हंसाए। मैं आपके नियमों पर चलकर तंग आ गई हूँ। नियम विवाह के, बात करने के, बाहर जाने के, बैठने के, ओहो। पर इसी तरह ही राजकुमारियों को रहना पड़ता है। यही सब नहीं, ये रईस ज़ादे जिन्हें आप लाते हैं वो इतने दिखावटी हैं। मैं किसी ऐसे को चाहूंगी जो साधारण और ईमानदार हो, जो एक बच्चे की तरह मासूम हो, जो एक साफ दिल का मालिक हो, और सबसे बढ़कर ये कि जो स्वयं अपने रूप से शर्माता न हो। मुझे यहाँ पिंजरे में बंद महसूस होता है पिताजी। मैं किसी ऐसे को चाहती हूँ जो हंसमुख हो और जो मुझे नाचने पर बाध्य करे। फिर मुझे तुम्हारे लिए किसी जोकर को ढूंढना पड़ेगा। मिस्टर डंकन, अगले उम्मीदवार को बुलाओ। चलो देखते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा महाराज, बस यही सब थे। राजकुमारी सभी शाही रईसों से मिल चुकी है। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, मुझे इसी बात का डर है महाराज। आखिर अभी एक महीने से ज्यादा ही वो उनसे मिलती रही हैं। ओह, मुझे तुम्हारा मजाक या अंदाज पसंद है मिस्टर डंकन। मेरा सौभाग्य है राजकुमारी जी। क्या आप एक चुटकुला सुनना चाहेंगी? मैं मजाकिया इंसान हूँ। क्या? नहीं, चलो मुख्य विषय पर फोकस करें। अब हम किसे बुलाएं यदि सभी रईस उम्मीदवार अस्वीकार कर दिए गए हैं? फिर मुझे लगता है कि ये पद नागरिकों के लिए खोलना ही चाहिए। ओह, ये बात है। अब और क्या होने वाला है पता नहीं। ठीक है डंकन, तो फिर नागरिक को ही बुलाओ। सब ध्यान दें। अब जब राजकुमारी ने सब शाही रईसों को अस्वीकार कर दिया है, अब सभी नागरिकों के लिए समय आ गया है कि वे महल में आएं और स्वयं को परखें। सख्ती से इस बात का ध्यान रखें कि केवल पढ़े लिखे और सजे धजे लोगों को ही महल में फाटक से प्रवेश मिलेगा। कल राजकुमारी अपने पति का चयन करेगी। अगला शहर कृपया। क्या तुमने ये सुना? ये एक बहुत ही जादुई पल है। कल्पना करो कि हमारे पास कितनी दौलत हो जाएगी यदि राजकुमारी तुम में से किसी एक को चुनती है। मेरे दोनों बेटे मेरे द्वारा ही पढ़ाए और सिखाए गए हैं और तैयार किए गए हैं। ओह बेशक पिताजी, आपने कहा पढ़े लिखे, मैं बही खातों के नियमों को जानता हूँ, मुझे वो मुहज़बानी याद है। और मैं लैटिन भाषा वैसे ही जानता हूँ जैसे मैं और भाषाएं जानता हूँ। मैं तो सी भी सकता हूँ। मैं संवेदनशील और खूबसूरत हूँ, ध्यान रहे। ओह हाँ बिल्कुल, मेरे दोनों बेटे निस्संदेह खूबसूरत हैं। चलो तुम्हें तैयार करूँ, तुम दोनों में से कोई एक कल तक राजकुमारी का पति होगा। मुझे चांद पर ले चलो।
मैंने चांद पर कहा था, मुझे गड्ढे में क्यों गिरा दिया, पर इसमें भी मजा आता है। रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? ओ मेरे खूबसूरत बेटों, जाकर मेरे लिए राजकुमारी ले आओ। हाँ पिताजी, चलो चलें एरिक। मेरा सूट। ओह, इसके लिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ओह, मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो खास बात होगी। खुशी है कि तुमने इस पर गौर किया। मैं जरूर ऐसा ही लग रहा हूँ जैसे किसी खास बात के लिए तैयार हो रहा हूँ, है ना? नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे बाल अजीब लग रहे हैं। तुम मेरा सूट खराब कर रहे हो। हमें महल जाने में बहुत देर हो रही है। ओह ओह, लेकिन महल में क्यों, मुझे बताओगे? जैक, चलो चलें। हम तुम्हारी वजह से इस दिन को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ। चलो भी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या मैं भाई नहीं हूँ? हे भगवान, हाँ तुम हो, इसीलिए तुम्हें नीचे उतरने की जरूरत है और अपने भाइयों को जाने दो कि वो राजकुमारी का दिल जीत सके। वो आज अपना पति चुन रही है। उतरो अब, जाओ। फुह, चलो चलें एरिक। अलविदा मेरे बेटों। ओ पिताजी, कृपया मुझे भी जाने दें, कृपया कृपया। किस लिए? राजकुमारी का दिल जीतने के लिए। उनका दिल जीतना है, मुझे उनका दिल जीतना है। ये एक रूपक है मूर्ख कहीं के। तुम्हें असल में उसका दिल जीतने की जरूरत नहीं, उसे तुम्हें चुनना होगा। पर वो चुनेंगी। आप ही तो कहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरा मतलब है मानसिक रूप से। प्लीज पिताजी, प्लीज। ठीक है, मेरा सिर मत खाओ, जाओ। तो हैंस, क्या तुम्हारे ख्याल से मुझे सीना शुरू कर देना चाहिए जब मैं महल में दाखिल हूँ? नहीं भाई, वो तो मास्टर कार्ड है। अपनी सारी चालें शुरुआत में ही मत दिखा दो। तुम शुरुआत करो बुक कीपिंग के नियमों से। देखना ये कला उसे मोहित कर देगी। हे सुनो भाइयों। अरे वाह, ये फल, इसी की तो जरूरत थी मुझे। ओ, मैं देख रहा हूँ कि तुमने सीख लिया है कि अपने लिए खाना कैसे तैयार करना है मेरे भाई। तुम्हारा भला हो। ओह, तुम कितने मजाकिया हो। ओ, नहीं नहीं, ये तो मेरी भावी पत्नी के लिए है, राजकुमारी के लिए। क्या क्या, तुम हमारे साथ महल चल रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, वहीं पर तो राजकुमारी है, क्यों है ना? और तुम उसे ये दोगे, एक सड़ा हुआ फल? खैर, महल में खाली हाथ जाना तो अशिष्टता होगी ना। हाँ हाँ सही है, एक सड़ा हुआ फल बहुत ही प्यारा तोहफा होगा। तुम बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, अब चलो भी, देर हो रही है हमें। भाइयों देखो मुझे क्या मिला। जरा इसका दिमाग तो देखो, एक जूता। आखिर तुम इससे करने क्या वाले हो? खैर क्या पता क्या हो, मुझे इसकी शायद किसी बात के लिए जरूरत पड़े। ओ हाँ हाँ, शायद राजकुमारी को एक पुराने फटे जूते की जरूरत पड़ जाए, है ना? क्या हो यदि उसके बिल्कुल नए जूते गुम हो जाएं? क्या तुमने ये सुना? मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो कितना होशियार है। पर ज्यादा देर नहीं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। भाइयों देखो मुझे और क्या मिला। ओ, एक बार फिर नहीं, इसे क्या हो गया है? देखो ये, इस घिनौनी चीज को मुझसे दूरी रखो। कीचड़, ये तो कीचड़ है, तुम्हें क्या हो गया है? खैर पता नहीं क्या हो, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलो चलते हैं भाई, इससे पहले कि कोई हमें इसके साथ देख ले। ओ, तो ये दौड़ लगानी है। ओ भाई, अब ये देखो। रुको, तुम क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा हूँ। ओ, तुम्हारे जूते कीचड़ से सनी है, तुम जा सकते हो। अगला। ला 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 ला। बहुत खूब। मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल से
तुम इस शादी के किस कारण योग्य हो? मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत हो। ओह, शुक्र है भगवान का कि तुमने ये स्पष्ट कर दिया। मैं तो जल्दी ही दाढ़ी उगाने की सोच रही थी। खैर, बस इतना ही? तो फिर तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है ना? ओह, पर बिना दौलत के राजा का वजूद किया? मेरा मतलब है किसी दिन तुम्हारे पिता मर जाएंगे, है ना? क्या? इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। ओ नहीं पिताजी, क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि मुझे क्या महसूस होता है? हाँ बेशक, इसके बारे में तुम क्या महसूस करती हो? नहीं क्या ये जरूरी है? हर कोई जो अस्वीकार किया जाता है वो नदी में जाएगा। अगले हैं श्रीमान हैंस हेमिंग्वे। बाकी अन्य हुनरों के साथ वो एक लैटिन की विद्वान है। फिर बहुत बढ़िया। क्या तुम मेरे लिए लैटिन में एक कविता गा सकते हो? अब मैं यहाँ इन मास्टर हैंस की तरह कोई लैटिन के विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि यह लैटिन नहीं है, है ना? क्या तुम कोई और भाषा बोल सकते हो? ओह, कितनी रोमांटिक है। गॉड, अगला। क्या कहा उसने? क्या वो एक कविता थी? राजकुमारी, उसने कहा कि उसकी पतलून गीली होने वाली है। इस क्षण इसे फेंक दो। नहीं 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 नहीं, मेरे बाल, मेरा सूट, नहीं। मैं उकता गई हूँ। क्या मैं घूमने जा सकती हूँ? नहीं राजकुमारी, और बहुत से और आने वाले हैं। अगला कौन है? अगला है श्रीमान एरिक हेमिंग्वे। वो मास्टर हैंस हेमिंग्वे का भाई है और वो विद्वान है भाई खाते के नियमों का। नियम, भाई खाते के नियम। हमारे लिए भाई खाते रखना महत्वपूर्ण होता है। क्या? मैं पहले से उकता गई हूँ। अगला। नहीं रुकिए, मैं तैर नहीं सकता पर मैं सी सकता हूँ। मुझे सीने दीजिए, कम से कम मुझे एक नाव दे दीजिए। ये तो हत्या हुई। ओ बकवास बंद करो, पानी इतना गहरा नहीं कि तुम मर जाओ। ओ रुको रुको, तुम मूरख कहीं की। ओ हाय भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था? जैक, मेरी मदद करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? पहरेदारों, उन्हें पकड़ लो। ओह, क्षमा करना भाई, मुझे जाना होगा। रुको जैक, नहीं। पहरेदारों, पकड़ लो इन्हें। पहरेदारों, नहीं। तुम कौन हो? ओह हाय, मैं हूँ जैक। आपने बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहनी हुई है। इस पोशाक को डिजाइन किसने किया है? क्या आप डांस करना चाहेंगी माय लेडी? ओह, बिल्कुल। मुझे इतना मजा आ रहा है, ये बढ़िया है। हे भगवान, तुम कौन हो? इसी क्षण इस महल से बाहर निकल जाओ। नहीं रुको पिताजी, मुझे कुछ कहना है। मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं इससे विवाह करूंगी। नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मैं यहाँ राजकुमारी से मिलने आया हूँ। मैं उन्हीं से शादी करूँगा, मुझे माफ कीजिएगा। अपने आसपास देखो, तुम्हारे ख्याल से मैं कौन हूँ? ओह, तो आप हैं राजकुमारी। मुझे तो राजकुमारी से प्रेम हो गया था, तो क्या लगता है आपको? हाँ, क्या संभावना है? मुझे इसका अफसोस होने वाला है। खैर मंत्रियों, शादी की तैयारियां करो, आखिर मेरी बेटी ने एक पति चुन ही लिया है। क्या तुमने देखा हैंस, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, हम हमेशा सोचते थे कि जैक मूर्ख है। पर वो नहीं है, है ना? शायद वो हमारे लिए मूर्ख हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक के लिए मूर्ख हो। हर कोई हमारी ओर अलग दृष्टि से देखेगा भाई, इसे ही कहते हैं नजरिया।
जैक कभी भी अपने वजूद से शर्माता नहीं था। दरअसल वो स्वयं को पसंद करता था। जिंदगी जीने का यही सर्वोत्तम तरीका है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम जीना सीख जाते हैं। चलो पानी से बाहर निकलते हैं, मुझे सर्दी हो रही है।